हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं कॉस्मोस एजुकेशन प्लेनेट और मैं हूं जिंदर दुग्गल। आज हम ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लॉ, एक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। आकर्षण का सिद्धांत क्या है और किस तरह से काम करता है दोस्तों, हम में से बहुत सारे जो सीनियर साथी हैं उन्हें इस विषय में पता होता है, लेकिन हमारे जो न्यू कमर्स हैं, हमारे जो जवान साथी हैं, वो जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें इस विषय में नहीं पता होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। इसलिए हम आज के इस टॉपिक के अंदर ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए या फिर अपने जीवन को आगे एक पॉजिटिव सेंस में बढ़ाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या होता है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर? दोस्तों, वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जीने की पद्धति है। जैसे आकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकृति के अंदर हम जब भी पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो हमें सिर्फ पॉजिटिवनेस हमेशा आगे से आगे हमें पॉजिटिवनेस मिलती है। यदि हम नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो हमें सिवाय उदासीनता और नेगेटिव रिस्पॉन्स के और नेगेटिव विचारधारा के हमें कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। इसीलिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत होती है। यह सिद्धांत सिर्फ ज्योग्राफी में ही नहीं, यह सिद्धांत जीवन में आपको एक जीने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है दोस्तों कि हमें हमेशा पॉजिटिव विचारों को लेकर ही अपना पहला कदम रखना चाहिए। जैसे कि ज्योग्राफी को यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव विचारधारा के साथ यह सोचते हुए कि ज्योग्राफी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये हमें हमारा कैरियर मेकिंग, मतलब कि हमारे आने वाले भविष्य को बहुत ही सुनहरा बना देगी। इसी तरह से यदि हम ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल 101% आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा कि ज्योग्राफी वास्तव में ही आपके जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ाएगी और आपको सफलता दिलाएगी। हम आज के इस जो लेक्चर के अंदर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे दोस्तों, यह तो हम आपको सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आप यदि आकर्षण के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ही पॉजिटिवनेस से भर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम थीरीज पार्ट 3 को के विषय में चर्चा करेंगे और इसमें हम बुक्स जो कि ज्योग्राफी के अंदर विभिन्न प्रकार की बुक्स पब्लिश की बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, उन बुक्स के बारे में हम आज यहां पर अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक स्माइलिंग फेस के साथ इस अध्ययन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख रहे हैं कॉस्मोस एजुकेशन प्लेनेट और मैं हूं विजेंद्र दुग्गल, आप सबका प्यारा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्स इन ज्योग्राफी। दोस्तों, आप देखिए, किसी भी एग्जाम को उठाकर देखिए, बुक्स कितना इंपॉर्टेंस स्थान रखती है। आपसे पूछा जाता है कि ये बुक किस राइटर ने लिखी है, वो बुक किस राइटर ने लिखी है। कई बार आपको बुक्स की ही क्रॉस मैचिंग करने को दे दी जाती है और आप उसमें उलझ जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है। तो हमें आज इस विषय पर बहुत ही गहनता से अध्ययन करेंगे और इस लेक्चर को हम एक माइलस्टोन बनाकर रख देंगे
क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जितनी भी बुक्स हैं हम आज उनका डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ बुक्स छूट जाएं, लेकिन जो बुक हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं वो मोर देन सफिशियंट रहेंगी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। यदि ज्योग्राफी पूछी जाती है तो इस जो पैटर्न पर जो हम आज जो बुक्स दिखाने जा रहे हैं इससे बाहर 99% चांस नहीं है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बुक्स इन ज्योग्राफी। ये लीजिए दोस्तों, सबसे पहली बुक्स आप सबके सामने है मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ, एलसी किंग। दूसरी बुक देखिए दोस्तों, फिजियोग्राफी, हेनरी हक्सले। तीसरी बुक देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी, रॉबर्ट डिकिंसन। दोस्तों ये जो बुक्स हम आपके सामने बता रहे हैं ये बुक्स सभी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, और यदि हम इन बुक्स को अपने मेमोरी में बैठा लें तो 101% आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं, टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, सी ए किंग। देखिए एक एलसी किंग है ये और सी ए किंग है, कई बार दोनों ही ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और किंग समझ करके हम एलसी किंग को मार्क कर देते हैं, जबकि टेक्निक इन जियोमॉर्फोलॉजी सी ए किंग की है। आगे देखते हैं द अर्थ, जेफरी, जेफरी महोदय ने जो द अर्थ नाम की बुक लिखी थी। आगे देखिए द अनस्टेबल अर्थ, जे ए स्टीर। अब देखिए यहाँ पर भी माइनर सा डिफरेंस है द अर्थ और द अनस्टेबल अर्थ। द अर्थ तो जेफरी साहब ने लिखी है और द अनस्टेबल अर्थ जे ए स्टीर ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ग्रिफिथ टेलर, 1951 में लिखी गई थी। आगे देखिए मैन एंड नेचर, जी पी मार्श। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, डेविड हार्वी। मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस, वॉल्टर इसार्ड। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी, अनुचिन। दोस्तों आप इन बुक्स का अपना ही एक मेथड डेवलप कीजिए याद करने का, और इनको एक बुक अपनी एक नोटबुक तैयार कीजिए जिसके अंदर आप जितने भी मैं अपने लेक्चर्स दे रहा हूँ इनको आप तैयार कीजिए, क्योंकि जो डाटा जो भी चीज़ें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये जो इंडिया की सबसे स्टैंडर्डाइज्ड बुक हैं उन्हीं बुक से ये डाटा कलेक्ट किया गया है और वहीं से आपके सामने ये सीधा डायरेक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स भी हैं जहां पर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिस तरह से कोई भी चीज़ पढ़ानी चाहिए उस तरह से वहां पर भी आपको किसी भी तरह का कोई सिस्टम नहीं मिलता है। दोस्तों मैं यहां पर आपको अश्योर करता हूं कि आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, आप जो मैं बताता हूं आप उन चीज़ों को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए आगे देखते हैं, ला टेरी, एलिस रेकलस। ला टेरी एलसी रेकलस महोदय ने ये बुक लिखी थी, हिस्टोरिकल मेमोरीज, स्ट्रैबो, डेरम मेमोरेबिलियम, सॉलिडियस। ये किताबें बहुत बारी पूछी गई हैं दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर यही चीज़ पूछी जाती है और सीधा डायरेक्ट आपको वो चीज़ बताई जा रही है जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ चुके हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर आना चाहिए आप उस चीज़ को कई बार छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जो किताबें पढ़ी हैं उनका तो आपका बेस बना ही हुआ है, ये जो आपको एक्स्ट्रा इनपुट है इससे आपको सक्सेस मिलेगी, 101% सक्सेस मिलेगी। आगे देखिए क्रिश्चियन टोपोग्राफी, फेरामेनियस ने जो क्रिश्चियन टोपोग्राफी नाम की बुक लिखी थी, और ये जो क्रिश्चियन टोपोग्राफी नाम की जो बुक है इसको कॉस्मोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। टी ओ मैप को ऑर्बिस टेरोरियम भी कहा जाता है और द व्हील मैप भी कहते हैं इसको, व्हील मैप। इसके अंदर क्या होता था, एक टी की आकृति बना दी जाती थी इस, और एक बड़ा सा ओ लेकर उसके अंदर टी की आकृति बना दी जाती थी जिसके अंदर लैंड फॉर्म्स को दिखाया जाता था। आगे देखिए द अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट,
वही फर्स्ट वाला जो एलसी डैकलस महोदय थे, उन्होंने ही द अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट के ऊपर एक बुक लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, रिचर्ड हार्टसन। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बुक है, इस बुक को पूछा जाता है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, रिचर्ड हार्टसन। आगे चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, वैन वेल्कनबर्ग। ये भी एक महत्वपूर्ण बुक है, ये पूछी जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट किसने लिखी है, तो वैन वेल्कनबर्ग है। कॉस्मोस हम्बोल्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस्मोस एजुकेशन प्लान पर आप देख रहे हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और कॉस्मोस नाम की जो बुक थी वो हम्बोल्ट महोदय ने लिखी थी। तो आप भी हमेशा याद रखिए, जो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है वो कॉस्मोस है और वो ज्योग्राफी से डायरेक्टली रिलेटेड है, और आपको ज्योग्राफी की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हम आपसे वादा करते हैं। आगे चलते हैं, ज्योग्राफिया जर्नलिस, वेरिनियस महोदय ने लिखी थी। ला ह्यूमन ज्योग्राफी, जीन ब्रूंस ने लिखी थी। तो एक ह्यूमन ज्योग्राफी नाम की बुक भी आएगी आगे चल के, वो भी देख लीजिएगा। ये जो है ला ह्यूमन ज्योग्राफी, जीन ब्रूंस की है। चलिए आगे देखते हैं, द ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज, ईसा बोहमियन। ये जो है ईसा बोहम, द ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज, ईसा बोवान महोदय ने लिखी थी, और ये द पायनियर फ्रिंच नाम की एक जर्नल के अंदर ये पब्लिश हुई थी। द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, देखिए ये जो बुक है द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, एलन चर्चिल सैंपल ने लिखी थी, जो कि हमारे रेडजल महोदय की एक शिष्या थी। उन्होंने ही अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में भी लिखा है। द प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, थॉर्नबरी नाम के विद्वान ने लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आगे बुक आ गई है, देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, स्ट्राहेलर ने लिखी थी। ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, मैकाइंडर ने। मैकाइंडर एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिशियंस रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश एंड ब्रिटिश सी, मैकाइंडर महोदय ने लिखी थी। रिवर्स एंड रिवर टेरेसेस, डूरे महोदय ने लिखी थी। एसे इन जियोमॉर्फोलॉजी, देखिए दोनों के दोनों डूरे महोदय की आ गई है। रिवर्स एंड रिवर टेरेसेस एंड एसे इन जियोमॉर्फोलॉजी, जी एच डूरे, ये भी उन्होंने लिखी थी। ए हंड्रेड ईयर ऑफ ज्योग्राफी, टी डब्ल्यू फ्रीमैन। ए हंड्रेड ईयर ऑफ ज्योग्राफी, टी डब्ल्यू फ्रीमैन ने लिखी थी। मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ, एल सी किंग ने लिखी थी। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हंटिंगटन। देखिए यहाँ पर आपने देखा था कि ला ह्यूमन ज्योग्राफी जीन ब्रूंस की थी, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हंटिंगटन की है। ही ऑल्सो राइट द सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, देखिए उन्होंने सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नाम की बुक भी लिखी है हंटिंगटन ने, और द कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म। उन्होंने हंटिंगटन महोदय ने क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म नाम का कंसेप्ट भी दिया है। तो सारी चीजें हम दोस्तों एक ही डिस्प्ले के अंदर आपको दिखा रहे हैं। ये चीजें हैं इतनी आसानी से आपको दूसरी जगह पर ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, पी हैगेट। ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, पी हैगेट नाम के विद्वान ने लिखी थी। द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी, आई बर्डन। आई बर्डन को क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी का या फिर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, आई बर्डन को ही। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इज opposed by, quantitative revolution is opposed by L.D. Stamp. L.D. Stamp ने इसको opposed किया था कि quantitative revolution नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं, geography as a human ecology, H.H. Barrow. बहुत ही अच्छी बुक है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, geography as human ecology, H.H. Barrows. आगे देखते हैं, morphology of landscape, Carl O. Schafer. उन्होंने मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप लिखी थी 1925 में, और उन्होंने ही द आइडिया ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, कार्लो सावर ने ही दिया था आइडिया ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। चलिए देखते हैं,
ऑल पॉसिबल वर्ल्ड पीई जेम्स ने ये लिखी है, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड पीई जेम्स स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अल्बर्ट एडम, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एल्बर्ट एडम, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एबलर एडम महोदय ने लिखी है। फिजियोग्राफी, देखो फिजियोग्राफी यहाँ हेनरी हक्सले ने भी लिखी थी जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था, यहाँ पर देखिए फिजियोग्राफी रॉलिन डी सलिसबरी ने भी लिखी है। मिरर्स ऑफ अमेरिका एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ यूएसए ब्राउन, रिवर एंड द सेंट्रल प्लेस वेल्डन बर्ज एंड बेरी, यहाँ पर सेंट्रल प्लेस का सिद्धांत अगर देखें तो हमारे वाल्टर क्रिस्टालर महोदय ने दिया था, लेकिन यहाँ पर जो अलग तरह से सिद्धांत को पूछा गया है और जो ये बुक है जो ये लिखी गई रिवर एंड द सेंट्रल प्लेसेस वेल्डन बर्ज एंड बेरी, मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट रिचर्ड बीट दास असलैंड, ये बहुत बार पूछी गई है दोस्तों दास असलैंड। ऑस्कर पेसल फर्स्ट प्रोफेसर थे वो जर्मनी में ज्योग्राफी के। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ऑर्टाइल रिचस्टोफन, ऑर्टाइल को लिखा था रिचस्टोफन महोदय ने, ऑर्ड कुंडे रीडर, ये दोनों कितने सिमिलर नेम है, कई बार हम यहाँ पर पजल हो जाते हैं, ऑर्टाइल तो रिचस्टोफन महोदय की थी जबकि ऑर्ड कुंडे है जो रीडर महोदय की थी। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर आर जे जॉनसन, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी डिकिंसन, चेंज इन द फिलोसफी ऑफ ज्योग्राफी ई ए रिंगले 1965 में चेंजेस इन द फिलोसफी ऑफ ज्योग्राफी ई ए रिंगले महोदय ने लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तो लीजिए दोस्तों अब आपके सामने आ रही है और भी ज्यादा और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी थियरीज आपके सामने आ रही हैं। चलिए देखते हैं, वेयर द ग्रास इज ग्रीनर डी एम स्मिथ महोदय ने ये बुक लिखी थी। दोस्तों हम आपको इतनी जबरदस्त थियरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं लेकिन एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं आगे, सिटीज इन एवोल्यूशन पैट्रिक कैडिस, द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स नॉर्बर्ट विनियर, रीजनल ज्योग्राफी थियरी एंड प्रैक्टिस रोजर मिनसुल, परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी रिचर्ड हार्टसन, ज्योग्राफिया स्ट्रैबो, उन्होंने 17 वॉल्यूम लिखे थे जिसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में उन्होंने जबरदस्त तरीके से बताया था, उन्होंने ज्योग्राफिया के अंदर भारत का भी वर्णन किया था। चलिए देखते हैं दोस्तों, अल्मा गेस्ट ज्योग्राफिक सिंटेक्सिस, टोलमी महोदय का काम है जो उनका पाइनियर वर्क माना जाता है, जेस्प्रिडिस हिकेटियस महोदय ने लिखी थी और हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी माना जाता है, ओवरऑल ज्योग्राफी के फादर भी माना जाता है, लेकिन इनके बाद जो इरेट आस्तनीज महोदय आए थे उनको भी ज्योग्राफी का फादर माना जाता है। एस्ट्रोलैब हिपार्कस महोदय ने एस्ट्रोलैब नाम की जो उनका काम था एस्ट्रोलैब माना जाता है। कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल्स, यहाँ पर देखिए कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल्स नाम का जो काम था वो मिनिस्टर सेबेस्टियन महोदय का था। ज्योग्राफी डल आर्डोबर फ्लेच, ये जो थी बुक ये बैंक एल्ब्रेच महोदय की थी। आगे देखिए तो ला ज्योग्राफिक ह्यूमन जीन ब्रूंस, ये दोबारा आ गई है, ला ज्योग्राफिक ह्यूमन हम पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं, सोशल इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी रिचर्ड जे शार्ले एंड पीटर हैगेट, ये जो बुक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं दोस्तों, इन बुक्स का आप अपना एक रिकॉर्ड बनाइए, मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि इसका अपना एक रिकॉर्ड बनाइए और एक अपना डाटाबेस तैयार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, द स्टडी ऑफ सोशल ज्योग्राफी जॉर्ज विल्सन हॉक नॉर्थ अमेरिका के थे, पुटिंग द इकोनॉमिक इनटू इकोनॉमिक ज्योग्राफी एम जी बालाबन 1975 के अंदर उन्होंने ये काम किया था, पुटिंग द इकोनॉमिक इनटू इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑन द रिलेशंस ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री डार्बे, ओरिजिन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कैंडोल, कैंडोल महोदय के ही
काम के ऊपर बहुत सारे हमारे वर्ल्ड के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्लांट के विषय में बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था और उनके इसी काम को वो आधार बनाकर ही हमारे जो वर्ल्ड के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, चाहे वो अब देखिएगा आप कोपेन का आता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने कैंडोल महादेव के जो प्लांट वेजिटेशन रीजन्स जो उन्होंने दिए थे उन्हीं को आधार बनाकर के वर्ल्ड का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था। चलिए देखते हैं हाइड्रोलॉजी, एंडी डी वार्ड। चलिए आगे देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, फिलिप जी वॉर्सेस्टर। मेट्रोलॉजी पीटरसन। माइक्रोक्लाइमेटोलॉजी ग्रिफिथ टेलर। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी टैफी। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के जो फादर और जनक भी है जो टैफी महोदय को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, बेकर हैगेट। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस टेक्निक डिवाइड ज्योग्राफी इनटू स्पेशल एनालिसिस, इकोलॉजिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स रीजनल एनालिसिस। ही आल्सो रॉट अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ज्योग्राफी। उन्होंने ज्योग्राफी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी लिखा है और उन्होंने ज्योग्राफी को आधार ना एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को आधार बनाकर के ज्योग्राफी को तीन भागों में स्पेशल एनालिसिस, इकोलॉजिकल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स रीजनल एनालिसिस डिवाइड किया है। जियोपॉलिटिक्स ज्योग्राफी एंड स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त बुक है दोस्तों, ये दोनों के दोनों जियोपॉलिटिक्स ज्योग्राफी एंड स्ट्रेटजी। तो कॉलिन एस गैरी और जेफ्री स्लोन महोदय ने लिखी थी। इसके बाद जो बुक आती है जियोपॉलिटिशियंस एंड ज्योग्राफर्स नाम की जो बुक है कार्ल हॉशहॉफर, ये जर्मनी के थे और जबरदस्त जियोपॉलिटिशियंस भी थे अपने आप। आगे देखें द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन ज्योग्राफी हैक, 1960 में ये बुक आई थी। द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन हैक इन ज्योग्राफी सॉरी द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन जियोमॉर्फोलॉजी है ये जो बुक है ये हैक महोदय ने 1960 में दी थी। प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम ए होम्स एंड डी एल होम्स महोदय ने प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम दी थी। द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ पोल फ्रांसिस पीरेक्स, ये बहुत बारी कंसेप्ट पूछा गया है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ पोल फ्रांसिस पीरेक्स ने 1955 में दिया था। सर्कमफेरेंस ऑफ ज्योग्राफी फ्रेड मेनन, उन्होंने ज्योग्राफी को की जो मुख्य ब्रांचेज हैं वो या फिर उसके सर्कमफेरेंस के अंदर जो सब ब्रांच आ सकती हैं ज्योग्राफी की उनको छः भागों में या फिर छः एरियाज उन्होंने ज्योग्राफी के बताए थे। पहला था जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद देखिए बायोज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी। ये छः ज्योग्राफी के अंदर उन्होंने सब डिसिप्लिन्स बताए थे या फिर ज्योग्राफी की सब ब्रांचेज हैं जो ज्योग्राफी के अंदर आ सकती हैं छः। बॉडविले ने ग्रोथ पोल के कंसेप्ट को ज्योग्राफिक स्पेस के ऊपर अप्लाई करके देखा था, जिससे उसी कंसेप्ट को ग्रोथ सेंटर का नाम दिया गया। इसीलिए बॉडविले ने ग्रोथ सेंटर नाम के कंसेप्ट को डेवलप किया था। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रोथ सेंटर किसने लिया था। चलिए आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम TIC भी कहते हैं, वो रशियन ज्योग्राफर्स की देन है। आगे दोस्तों, अभी तक हमने ज्योग्राफी के अंदर जितनी भी बुक्स पॉसिबल हो सकती थी हमने वो सारी बुक्स आपके सामने रखी और इन बुक्स के आप अपने पर्सनल नोट्स बनाए। अब हम एक ज्योग्राफी के अंदर छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट्स इन ज्योग्राफी, मतलब बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या कहा है, तो उन स्टेटमेंट्स के विषय में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट है, ये जेम्स हटन महोदय ने दिया था। इस कंसेप्ट के पीछे या फिर इस स्टेटमेंट के पीछे उनका मुख्य आशय यही था कि जो प्रेजेंट है पास्ट
को समझने का की एक की है, एक चाबी है। अगर पास्ट को समझना है तो आपको प्रेजेंट को समझना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस, इमैनुअल कांट ने ये जो है अवधारणा दी थी ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस। जर्नल ज्योग्राफी नाम की टर्म्स है जो वेरेनियस महोदय ने दी थी। रेटजल के बाद हेटनर ने ज्योग्राफी को एज एन आइडियोग्राफिक मतलब कि रीजनल साइंस कहा रादर देन मोनोथेटिक। मतलब उन्होंने रेटजल के बाद हेटनर महोदय ने ज्योग्राफी को एक आइडियोग्राफिक साइंस कहा कि यहाँ तो सिर्फ रीजन्स की स्टडी की जानी चाहिए रादर देन मोनोथेटिक मतलब कि जनरल लॉज की बजाय यहाँ पर रीजन्स की स्टडी होनी चाहिए। Some of other scholars also believed in this concept like Kant and Hartshorne. Kant और Hartshorne भी इस concept में believe रखते थे जो Hattner महोदय ने दिया कि geography को तो के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ regions की ही study की जानी चाहिए, वहाँ पर general laws की कोई स्थान नहीं है। According to Hartshorne, geography is a navy science. कई बार पूछ लिया जाता है कि navy science ज्योग्राफी को किसने कहा था, तो वो हार्टसन महोदय थे। ज्योग्राफी इज ए नोमोथेटिक साइंस डील्स विद जर्नल लॉज। देखिए अब यहाँ पर वही आ गया, अभी अभी हमने पूछा था कि यहाँ पर जर्नल लॉज के बारे में स्टडी करती है ज्योग्राफी, तो ये हम्बोल्ट और कार्ल ओसावर कहते थे कि जर्नल लॉज होने बहुत ही जरूरी है ज्योग्राफी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। सिटीज एज ए सिस्टम विद इन सिस्टम ऑफ सिटीज। देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त बात कही है कि सिटी अपने आप में एक सिस्टम है। बहुत सारी सिटीज के अंदर अगर हम एक सिटी को देखें तो अपने आप में वो एक सिस्टम है, वहाँ पर एक सिस्टम काम कर रहा है सिटीज के अंदर। तो उस अवधारणा को उस कंसेप्ट को देने वाले जो महोदय थे उनका नाम था बी जे एल बेरी। He also gave the concept of population threshold and range of goods, B.J. Elbery. Regions are good servant but bad masters. देखा? C.C. Carter महोदय ने ये अवधारणा दी थी। Regions are good servant but bad masters. Geography of public finance can simply be defined as who get, what get, where get, at what cost. ये जो कंसेप्ट था ये आर जे बेनेट महोदय ने दिया था कि ज्योग्राफी तो एक पब्लिक फाइनेंस है और उसके अंदर हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि हु गेट किसने प्राप्त किया, व्हाट गेट क्या प्राप्त किया और कहां पर प्राप्त किया और किस कोस्ट पर प्राप्त किया। तो इसी विषय इसी चीज को ज्योग्राफी कहा जाता है, ये आर जे बेनेट महोदय ने कहा। कार्ल ओसावर used landscape as the defining unit of geography study. तो कल्चरल लैंडस्केप का जो कंसेप्ट है वो कार्ल ओसावर की ही देन है और कल्चरल ज्योग्राफी के जनक भी कार्ल ओसावर को कहा जा सकता है। द लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन इन एन आउटकम फ्रॉम सिविलाइजेशन ऑफ एन पर्सन, हम्बोल्ट महोदय का था। चलिए दोस्तों ये था हमारा आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। हमने आज के इस टॉपिक के अंदर सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा हमारे जीवन को एक बहुत ही पॉजिटिवनेस की तरफ लेकर जा सकता है। उसके साथ साथ हमने ज्योग्राफी के अंदर उसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जिनका किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और स्टेटमेंट्स इन ज्योग्राफी हमने ये भी पढ़ा है। आप दोस्तों देख रहे थे कॉस्मोस एजुकेशन प्लैनेट और मैं हूं विजेंद्र दुग्गल। आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल के बारे में सभी साथियों को अपने दोस्तों को बताइए कि इतना ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया जा रहा है। जो डाटाबेस दोस्तों हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, मैं कहता हूं इस डाटाबेस का कहीं भी कोई भी तोड़ नहीं होगा।
बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही हाई लेवल का हम डाटा आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का डाटा हर किसी के पास नहीं है। जो डाटा हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं और ला करके सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने ला रहे हैं, तो दोस्तों इसका फ़ायदा उठाइए, इससे अपने जीवन को सफल बनाइए। मैं हूं विजेंद्र दुग्गल और आप देख रहे हैं कॉस्मोस एजुकेशन प्लैनेट, मैथ एंड ज्योग्राफी ए सिंबल ऑफ एक्सीलेंस। हम बहुत ही जल्द आपके साथ होंगे एक नए टॉपिक के साथ ज्योग्राफी में, देखते हैं हम सब मिलकर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जल्द हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।